आरती, किसी लेजेंडरी आर्टिस्ट की बात करें तो किस लेजेंडरी आर्टिस्ट को आप फॉलो करती हैं, और उनसे पहली बार मिली थी तो क्या कुछ कहा था? वेल, आई वॉज हार्डली आई थिंक 7 or 8 जब मैं रेखा जी से मिली थी. आई वॉज इन फिल्म सिटी. आई मीन व्हाट अ कोइंसिडेंस आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. एंड माई नानी लिव्स वेरी क्लोज बाय, और मैं उनसे मिलने आई थी, और यहाँ शूटिंग चल रहा था. आमिर भी था, ही वॉज शूटिंग फॉर आई थिंक लव 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 और सम अदर फिल्म, एंड रेखा जी वॉज हियर एंड she was leaving and I ran behind her car and I said please I want to meet you, and she gave me a you know dairy milk chocolate. And just a couple of years later mujhe Lajja mili with Rajkumar Santoshi, which nobody knows, which was my real debut film even before Tumse Acha Kaun Hai. And I had my first scene with Rekha ji again, and I told her, I said, I remember the day you gave me a dairy milk. To pehla shot tha Lajja ka, where she had to really beat me up, and I thought चलो एक्टिंग में कर दूंगी. रेखा जी ने इतनी मेरी पिटाई की है उस डेरी मिल के बाद, यू नो, बिकॉज शी इज़ अ रियल एक्टर. मारना है तो सच्ची में मारेगी. सो आई गेस शी इज समबडी आई रियली लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. अदर देन ऑफ कोर्स माय फेवरेट एक्ट्रेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी माधुरी दीक्षित. यस, वेरी मच. आई थिंक विदाउट अ फिल्मी बैकग्राउंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल द राइट स्ट्रिंग्स. एंड And being in the right, you know, being in the right circles and all of that. So, well, for me, it's more about I have to choose from what I get, and I am very selective because I'm not the kind of person who would take up roles just to be in the rolling. You know, like people say, out of sight, out of mind. Oh, you're missing. I wouldn't just do films to be in sight and be in mind. You know, I think I'm more selective and I choose whatever I really like. Like in this film, I'm playing a fantastic character, and only because I loved it, I took it up. उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. आरती, जस्ट बिकॉज कॉमेडी जॉनर की मूवी आजकल चल रही है इसलिए आपने साइन कर लिया है फिल्म या कुछ खास? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट आई विल टेल यू द रीजन. आफ्टर आवारा पागल दीवाना मैंने कभी एक ऐसा रोल नहीं किया जिसमें मुझे बहुत टपोरी बात करना था और बोला बेड़ा, और लोग, मतलब इतने लोग से मैंने ये सुना है कि आरती जी आप ऐसा रोल क्यों नहीं करती दोबारा, इन विच पीपल हैव लाइक यू सो मच. एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ मेड एन इमेज ऑफ देयर ओन, कोई बहुत सेक्सी तो कोई बहुत सीधा और होमली. और मेरा ऐसा कोई, थैंक गॉड, कोई इमेज नहीं है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो. आई थिंक आई एम स्टिल यू नो अबाउट टू बी मोल्ड इन टू सम काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बिकॉज आई टेक अप सच सिलेक्टिव वर्क. सो आई गेस आई विल लुक फॉर अ जॉनर ऑफ माई ओन, यू नो, आफ्टर दिस फिल्म. एंड I hope that I create that magic again that was in Awara, and that was also a comedy film, but this is very different. I mean, that girl was in Love at Dawn's, and here I am an item girl, and I believe I am Kamal in the film. So acha kisi item girl hai aap, kuch expose bhi kar rahi hai aap, exposure ke piche itni kyun padi hui hai? See, I don't know what you mean by exposure. I think it's a relative term. Aapke liye jo exposing, I'm talking about expose. Expose only. I'm talking about that same expose as exposure is a relative term. Jo aapko lagta hai ki bahut khula hai, bahut exposing hai, shayad mujhe na lage. Aur shayad jo mujhe lagta hai, aap bolenge, nahi, ye to bilkul theek hai. So it's a relative term. What do you really mean again by that? बहुत जल्द मेरा गाना हरी ओम, जिसमें जो मेरा पहला गाना है पिक्चर में, जो मुझे इंट्रोड्यूस करता है एज शिवानी सावंत, बहुत जल्द रिलीज़ होगा. एंड यू टेल मी कि मैंने एक्सपोज किए बिना कितनी मैं ग्लैमरस और कितनी अच्छी लगी, बिकॉज दैट्स हाउ आई फील. आई एम सॉरी आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ, बट आई हैव लव द वे शशि जी हैज़ प्रेजेंटेड मी, एंड आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट बाय सेइंग दैट आई रियली रियली थैंक हिम फॉर गिविंग मी दैट ग्रैंडियोर एंड दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग, यू नो.